ध्यान से सुनिए और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने से पहले दो बार सोचें। वुहान वायरस को मारने की वजह यह सैनिटाइजर आपको मार सकता है। एक जांच के अनुसार दो में से एक सैनिटाइजर एडल्ट रेटेड है और कुछ के अंदर मेथेनॉल भी होता है जो एक टॉक्सिक केमिकल है। यह सर्वव्यापी महामारी के बहुत से साथी है। हम सब के लिए फेस मास्क, एक बॉटल सैनिटाइजर, ग्लव्स और फेस शील्ड बहुत जरूरी है। इन सब में हैंड सैनिटाइजर सबसे खतरनाक है। उसका कारण हाथों का सूख जाना, खुजली देना नहीं है, लेकिन एडल्ट रेटेड सैनिटाइजर से आपकी मौत हो सकती है। इंडिया के उपभोक्ता टीम और सोसाइटी ने आपकी जांच की और उन्हें पता चला कि 50% हैंड सैनिटाइजर एडल्ट रेटेड होते हैं। यह एडल्ट रेटेड सैनिटाइजर सरकार के नियम अनुसार पालन नहीं करते और इन सैनिटाइजर्स का विशेष विवरण भी नहीं दिए होते। इसका मतलब है दो में से एक सैनिटाइजर मार्केट में नहीं होते जिसके लिए यह बनाए गए हैं। यह आपकी मौत भी ले सकता है। आजकल हैंड सैनिटाइजर बहुत बड़ी ताकत में बिक रहे हैं, तो कुछ हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन करने वाले इस महामारी का फायदा उठा रहे हैं। हमारी जांच के अनुसार 5 हैंड सैनिटाइजर के अंदर मेथेनॉल शामिल होता है। यह लीवर की बीमारियां ला सकता है और किडनी भी बिगाड़ देता है। यह एक टॉक्सिक केमिकल होता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट जांच कर रहे हैं कि कौन से सैनिटाइजर्स सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ज्यादातर सब में मेथेनॉल होता है, तो सवाल ये उठता है कि सैनिटाइजर के उत्पादन करने वालों को क्या करना चाहिए। हमें भी सैनिटाइजर का उपयोग करने से पहले जांच करनी चाहिए कि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। आप अपने हाथ साबुन और साधारण जल से भी धो सकते हैं, पर ध्यान रखें कि यह सैनिटाइजर कोरोना वायरस को तो नहीं मार सकता, लेकिन यह आपकी मौत जरूर ले सकता है। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहां भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहां पर शेयर करें।